रूस और यूक्रेन की जंग अब और भयानक होती जा रही है। यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा है तो पुतिन की सेना यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है। खबर सामने आ रही है कि रूस ने सोमवार को यूक्रेन पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से और ड्रोन से हमला किया है, जिसमें 7 लोग मारे गए हैं। ये हमला देश भर में पावर ग्रिड पर किया गया है, जबकि पड़ोसी नाटो सदस्य पोलैंड ने बताया कि एक ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। यूक्रेन की राजधानी कीव के कुछ हिस्सों के साथ कई क्षेत्रों में बिजली कटौती और पानी की आपूर्ति में दिक्कत की जानकारी सामने आ रही है। अधिकारियों ने कहा कि लंबे समय बाद देश भर में बिजली या अन्य जरूरी बुनियादी ढांचों को टारगेट किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेनी पावर ग्रिड पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के कुछ जानकारों का कहना है कि अगली सदियों से पहले सिस्टम को खराब करने का एक बड़ा प्रयास लग रहा था। इस वक्त लोगों को बिजली और हीटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के हमलों को अपमानजनक बताया। साथ ही सोमवार को एक बयान में उन्होंने कहा कि वाशिंगटन अपने सिस्टम की मरम्मत और यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड का समर्थन करने के लिए उसको उपकरण भेजना जारी रखेगा। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अपने शीर्ष कमांडर के साथ हमले पर यूक्रेन की प्रतिक्रिया पर चर्चा की थी। यूक्रेन ने रूस के पश्चिम कुर्सक क्षेत्र में एक बड़ी सीमा पार घुसपैठ में नई जमीन का दावा किया है, जबकि रूसी सेनाएं यूक्रेन के पूर्व में लगातार आगे बढ़ रही हैं। शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि कई मोर्चों को लेकर मजबूत करने का निर्णय लिया गया है, जहां सेना के अनुसार सोमवार को कम से कम 56 युद्ध झड़पें हुई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन आर्मी ने पुतिन को भी गहरा जख्म दिया है। यूक्रेन ने रूस में जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेनी आर्मी ने रूस के सारातोव शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद रूस की ऊंची इमारत भी पूरी तरह से धुआं धुआं हो गई। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए india.com।